मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मैं आपको 800 रुपये दूंगा या फिर मैं आपको आज से 1 साल बाद 100 रुपये दूंगा। आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे बिकॉज 100 रुपये की वैल्यू आज से 1 साल बाद से कंपेरेटिवली ज़्यादा है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब मैं स्कूल जाता था तब 20 रुपये घर से अगर लेके जाता था तो उस 20 रुपये में मैं एक लेज और एक कोक की बॉटल खरीद सकता था। आज के टाइम पे वही सेम प्रोडक्ट अगर मेरे को खरीदने हैं तो वही साइज का लेस का पैकेट 10 रुपये का है एंड वही कोक की बॉटल 650 ml वाली 40 रुपये की है। मतलब कि सेम प्रोडक्ट पैकेज खरीदने के लिए आज की डेट पे मुझे 50 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। टाइम के साथ प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने के फिनोमिनन को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन हर साल होता है। अगर कोई कहता है पिछले साल इन्फ्लेशन 5% था तो इसका ये मतलब हुआ कि पिछले साल से कंपेरेटिवली इस साल जनरली प्रोडक्ट्स के प्राइसेस लगभग 5% ज़्यादा है। मतलब कि पिछले साल अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैकेज खरीदने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे तो इस साल वही प्रोडक्ट बास्केट खरीदने के लिए आपको लगभग 105 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप अपना पैसा कैश के फॉर्म में अपनी अलमारी में लॉक करके रखते हैं तो आप हर साल पैसा लूज कर रहे हैं। इंडिया में सिर्फ 5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट के अराउंड इतनी सारी मिथ्स हैं जो लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरा देती हैं एंड वो फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। पहली मिथ, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, ये गैम्बलिंग है, जुआ है। दूसरी मिथ, स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट रिलेटेड पढ़ाई करी है सिर्फ वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना फीजिबल नहीं है, ये मिथ भी बहुत कॉमन है। तीसरी मिथ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत होती है। इस तरीके की और भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बट आज इस वीडियो में हम ये डिस्कवर करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की है या फिर ना इन्वेस्ट करना। इस वीडियो में हम 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। पहला, जिसमें हम सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, जिसमें हम फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा, जिसमें हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इंडिया में करंटली सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट लगभग 3-4% का है। इस साल एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 7.5% का है। मतलब कि इस साल जिसने भी अपना पैसा पूरे साल सेविंग्स अकाउंट में रखा था उसके पैसे की परचेजिंग पावर लगभग 3-4% रिड्यूस हो जाएगी। ये तो इस साल का डेटा था। एक बार 2011 से लेके 2020 तक का डेटा देखते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, 9 out of 10 टाइम्स सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन रेट से कम रहे हैं। मतलब कि 2011 से 2020 तक जिसने भी अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा था 9 out of 10 टाइम्स उन्होंने पैसा लूज किया। दूसरा ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट्स। इस साल फिक्स डिपॉजिट्स पे लगभग 6-7.5% का रिटर्न मिल रहा है। ये इन्फ्लेशन रेट से ऑलमोस्ट सिंक में है। मतलब इन्फ्लेशन रेट से कंपेरेटिवली 0.5% का डिफरेंस आपका आएगा जब फाइनली इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज होंगे। पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं, 2011 से 2020 का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट्स के इन्फ्लेशन के सिंक में ही रहे हैं। किसी साल बेटर थे, किसी साल कम अच्छे थे, बट ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स में अपना पैसा रखते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लगभग या तो इन्फ्लेशन के जितना ही रिटर्न जनरेट करेंगे या फिर हो सकता है उससे 1-2% बेटर भी जनरेट कर दें। तीसरा ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट से कंपेरेटिवली थोड़े रिस्की हैं। सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट्स में जो भी पैसा आप रखते हैं, अगर आप ये श्योर हैं कि बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट्स खोले हैं अगर वो बैंक बैंकरप्सी नहीं डिक्लेयर कर देता है तो जो भी रिटर्न्स आपको प्रॉमिस किए गए हैं वो रिटर्न्स आपको मिल ही जाएंगे। बट इंडेक्स फंड्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसकी वजह से इंडेक्स फंड्स वॉलेटाइल होते हैं। इसमें कोई भी फिक्स रिटर्न प्रॉमिस नहीं होता है। इसमें जिस तरीके की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट की रहती है उस तरीके के रिटर्न्स आपके जनरेट होते हैं। बट पिछले 10 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 2011 से 2020 तक की अगर आप ये टेबल देखेंगे तो फिर आप ये रियलाइज करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड में, 5 years प्लस के पीरियड में इंडेक्स फंड्स ने एक स्टेबल और अच्छा रिटर्न दिया। इंडेक्स फंड्स आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट करते हैं कि नहीं, ये आगे के लेक्चर्स में जब हम इंडेक्स फंड्स को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे तब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स के रिटर्न अगर हम इस टेबल में ध्यान से देखें तो लगभग 50% टाइम्स ही इंडेक्स फंड के रिटर्न्स ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। बट जिन ईयर्स में इन्फ्लेशन को इंडेक्स फंड ने बीट किया है
उन ईयर्स में मार्जिन बहुत हाई है, और जिन ईयर्स में इन्फ्लेशन से कम परफॉर्म किया इंडेक्स फंड ने उसमें थोड़ा ही कम अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे, मतलब कि अगर आप 2011 से लेकर 2020 तक एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन जो रहा है वो देखेंगे, और 2011 से 2020 तक इंडेक्स फंड्स ने जो एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है वो देखेंगे, तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इंडेक्स फंड ने इन्फ्लेशन को एक बहुत ही ह्यूज मार्जिन से बीट किया है। ये तीनों सिनेरियोस देखने के बाद ये पिक्चर तो क्लियर हो जाती है कि सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रखना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। इंडेक्स फंड्स या फिर किसी भी इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट में ही हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर वो पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ ये क्वेश्चन बचता है कि इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कैसे करें।